आज बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बर्थडे है, तो जहां देखो आज सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ही बातें, कहानियां और किस्से छाए हुए हैं। और इसी के साथ हम आपको शाहरुख से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। दरअसल एक बार खतरनाक गैंगस्टर अबू सलीम ने शाहरुख को जब धमकी दी थी तो शाहरुख ने अबू सलीम को हड़का दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ऐसा भला क्या हुआ था कि शाहरुख अबू सलीम जैसे खतरनाक गैंगस्टर से उलझ पड़े थे, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल एक दौर था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले अंडरवर्ल्ड का काफी दखल हुआ करता था, और शाहरुख को जब सफलता मिलने लगी तो उन्हें गैंगस्टर अबू सलीम और छोटा शकील से धमकियां भरे कॉल्स आते थे। दरअसल अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब किंग ऑफ बॉलीवुड में बताया है कि एक बार अबू सलीम ने अपनी एक नज़दीकी प्रोड्यूसर की फिल्म में काम करने के लिए शाहरुख खान पर काफ़ी दबाव डाला था। शाहरुख वो फिल्म नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने अबू सलीम को तीखा जवाब दे दिया था। तब शाहरुख ने अबू सलीम से कहा था, क्या मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसे गोली मारनी है? इसलिए मुझे नहीं बताओ कि मुझे कौन सी फिल्म करनी है। बताया जाता है शाहरुख को अबू सलीम की ये कॉल तब आई थी जब वो यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है की शूटिंग कर रहे थे। तब पहली बार उन्हें अबू सलीम ने कॉल किया था और शाहरुख ने बताया था कि ये उनके लिए काफ़ी दबाव वाला और डरावना एक्सपीरियंस था। हालांकि उन्होंने इसका बहादुरी से सामना किया और बाद में मुंबई पुलिस ने शाहरुख की सुरक्षा बढ़ा दी थी। बताया जाता है कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए ही शाहरुख ने बुलेट प्रूफ BMW कार भी खरीदी थी और अपने साथ हमेशा पर्सनल गार्ड्स रखते थे। लेकिन कुछ समय बाद ही खुद ही अंडरवर्ल्ड ने शाहरुख खान से किनारा कर लिया था। तो भाई ये था वो दिलचस्प किस्सा जब अबू सलीम से उलझ पड़े थे शाहरुख खान। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको शाहरुख का ये दिलचस्प किस्सा कैसा लगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।